हेलो लर्नर्स, NIOS के DLED के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रितु बख्शी, आज आपके साथ हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है विद्यार्थी की प्रगति आख्या व रिपोर्ट। डियर लर्नर्स, आपने जब भी हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ पर गौर किया होगा कि हर साल खासकर बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने के एक दिन बाद टीवी चैनल या फिर जो न्यूज़पेपर्स अखबारें होती हैं उसमें रोते बिलखते परिजनों को हम देखते हैं जिनके बच्चे फेल होने के चलते अपनी अनमोल जिंदगी को अलविदा कह देते हैं। अखबारों के मुख्य पृष्ठों पर ऐसी कई खबरें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें परीक्षा के परिणामों से खिन विद्यार्थी आत्महत्या कर लेते हैं। समाज की संवेदनाएं बस अफसोस जताने से आगे बढ़ नहीं पाती। परीक्षा के परिणामों के आते ही अंकों की अंतहीन दौड़ में शामिल विद्यार्थी क्या, अभिभावक क्या, शिक्षक भी अपना सीना फुलाते नजर आते हैं। मैं सबसे पहले इस व्यवस्था को, ये जो हमने ये बदस्तूर जारी रखा हुआ है, ऐसे नीति नियंताओं से या इस कुव्यवस्था में बच्चों के साथ खुद को झोंकने वाले अभिभावकों और एक बेशरम आदमी की तरह पौधों को सींचते हुए शिक्षकों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कुछ एक प्रश्न है मेरे मन में कि अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों के अलावा एक दिन की परीक्षा, जी हाँ, एक दिन की परीक्षा से जो हम उनका आकलन करते हैं, एक दिन की परीक्षा के लिए बना हुआ प्रश्न पत्र ही यदि अच्छे प्रदर्शन का मापदंड है तो खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की जिम्मेदारी किसकी है? एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला विद्यार्थी है और एक खराब प्रदर्शन। जब भी रिपोर्ट कार्ड आया, एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरे ने खराब प्रदर्शन किया। अब ये जिम्मेदारी किसकी थी? खराब प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी का उत्तरदायित्व कौन लेगा? ना तो अभिभावक, ना ही शिक्षक, वो विद्यार्थी कहाँ जाएगा? और दूसरा प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है, पूरे साल भर की पढ़ाई का सार केवल परीक्षा परिणाम देने वाला रिपोर्ट कार्ड ही क्यों है? ये आज के हमारे सत्र का विषय भी है कि जो परीक्षा परिणाम देते हैं हम रिपोर्ट कार्ड में, तो क्या वो पूरे साल का एक रिपोर्ट कार्ड में, एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड में आप उसका आकलन कर लेते हैं? पूरी शिक्षा प्राप्त करते करते ये जो विद्यार्थी अव्वलता का आवरण ओढ़े रहते हैं, जिनको हम बहुत ही सक्सेसफुल कहते हैं या जो टॉप ग्रेड्स ले लेते हैं, क्या वे विद्यार्थी जीवन की परीक्षा में सहयोग, समानता, सामाजिकता, नैतिकता, सामुदायिकता, सहभागिता, परिवार और पास पड़ोस के प्रति संवेदनशीलता की परीक्षा में भी अव्वल रहते हैं? गौर करने की चीज़ है कि रिपोर्ट कार्ड में वो छात्र अव्वल है, लेकिन क्या अपनी जिंदगी में, जिंदगी की परीक्षा में अव्वल रहने के लायक वो विद्यार्थी है? हमारी शिक्षा ने, जिसका कि उद्देश्य था सर्वांगीण विकास, क्या उसने उस बच्चे को उसके काबिल बनाया है कि वो अपनी जिंदगी की दौड़ में भी उतना ही अव्वल रहे, उतना ही आगे रहे, उतना ही उसी ए ग्रेड में रहे? तो ये सब आज के विषय में हम यही सब पढ़ेंगे कि ये जो एक रिपोर्ट कार्ड है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हमें डालनी चाहिए ताकि बच्चे का आकलन और बच्चे के अभिभावक को हम उसकी एक सही जो तस्वीर है वो पेश कर पाएँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक रिपोर्ट कार्ड है क्या, रिपोर्टिंग होती क्या है, तो इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो रिपोर्टिंग जो है ये एक छात्र की शिक्षा का आकलन करने से प्राप्त जानकारी को प्रासंगिक व्यक्तियों के लिए संप्रेषित करने की एक विधि है। आकलन के बिना इसके बहुत अधिक मूल्य खो जाता है अगर हम प्रॉपरली उसको आकलन ना करें, रिकॉर्ड ना करें, है ना, अच्छी असेसमेंट नहीं है, फिर हम उसको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये एक अच्छा जो रिपोर्टिंग है वो एक छात्र को जो हमने आकलन किया है उसको हम किस तरह से पेश करते हैं वो एक रिपोर्टिंग है। और रिपोर्ट जो है प्रत्येक छात्र की शिक्षा के लिए समय पर एक उपलब्धि को प्रतिबिंबित करती है। उसने क्या उपलब्धियाँ की हैं? छात्रों, हमने पहले भी बात की पहले सत्र में कि सफलता और विफलता दोनों ही चीज़ों से हम आकलन करते हैं, दोनों ही आकलन के बाद दो चीज़ें निकल के आती हैं, सफलता और विफलता। तो एक जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो विफलता वाला शब्द जो है हमारे शिक्षा की शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। उसकी अच्छाई और बुराई, उसको अलग ढंग होते हैं उसको पेश करने के, उसी की आज हम चर्चा भी करेंगे।
तो जो पर्पज़ है, उद्देश्य है रिपोर्टिंग का, वो क्या है? विद्यार्थियों की उपलब्धि और प्रगति के बारे में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को प्रतिक्रिया, फीडबैक प्रदान करना और अपने शिक्षण और शिक्षा को सपोर्ट करना, समर्थन करना उसका, और उसको प्रभावी रूप से, उसको अच्छी तरह से उसका प्रभाव दिखाना कि क्या हमारी शिक्षा, जो हमने उद्देश्य था शिक्षा का, वो हमने पाया है या नहीं, ये एक रिपोर्टिंग के माध्यम से हमें पता लगता है। इसका दूसरा उद्देश्य जो है वो है सीखने की प्रक्रिया और आगे के विकास के लिए क्षेत्रों को इंगित करने में उनका समर्थन करना कि सीखने की प्रक्रिया किस हद तक हम उसमें सफल हो पाए हैं, किस हद तक एक विद्यार्थी उसमें सफल हो पाया है और आगे के विकास में उस विद्यार्थी को किस किस तरह के निदानों की ज़रूरत है कि क्या क्या हमें उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो रिकॉर्डिंग या रिपोर्टिंग, इससे जुड़े हुए कुछ अहम पहलुओं पर हम बात करते हैं। तो अगर हम अपने भारतीय परिवेश की बात करें तो भारत भर के सभी स्कूलों में रिकॉर्डिंग का सबसे आम स्वरूप क्या है? रिपोर्ट कार्ड। आपने अभी तक, आप भी जितने स्कूल्स में जाते हैं, हमारा भी जो स्कूल्स में जाने का एक्सपीरियंस रहा है, तो पूरे सत्र के अंत में एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है जिसके माध्यम से हमारा आंकलन होता है। तो रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से ही भारत भर के सभी स्कूलों में रिकॉर्डिंग का जो काम है वो पूरा होता है। लेकिन इसमें आपको एक विद्यार्थी के सीखने या व्यवहार के सभी पहलुओं को रिकॉर्ड करने की अनुमति मिलती है क्या? नहीं मिलती। एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड में, या ये कह लीजिए दो पेज के रिपोर्ट कार्ड में, क्या आपको विद्यार्थी का जो सर्वांगीण विकास में, या आपने जो उसकी शुरू से प्राथमिक लेवल पर भी जो उसका आंकलन किया था, उस सभी पहलुओं पर क्या आप एक रिपोर्ट कार्ड में चीज़ें वो सब डाल पाते हैं? इस काम को करने के लिए कुछ सरल तरीके हैं। शिक्षाविदों ने इस पर बहुत ही ज़्यादा शोध किया और ये पाया है कि एक शिक्षक जो है कुछ सरल तरीकों को, कुछ नई तकनीकों को अपनाकर एक छोटे से रिपोर्ट कार्ड में भी ये सब चीज़ें किस तरह से ला सकता है। वो पढ़ते सिखाते समय आप जो देखते हैं या जो भी वो अवलोकन करता है, जिस तरह से ऑब्जर्व करता है, उसको वो डायरी पे, नोटबुक पे या रजिस्टर पे रखकर इसको नोट कर सकता है पूरे सत्र के दौरान। और विद्यार्थियों के कार्य के नमूने, जो कि लिखित है, कला है, शिल्प है, परियोजनाएं हैं, कविताएं हैं, इन सबको पोर्टफोलियो से भी वो दर्शा सकता है। एक पोर्टफोलियो बनवा सकता है जो कि छात्र छात्राओं द्वारा खुद बनाया गया होता है, लेकिन अवलोकन ऑब्वियसली वो पूरा का पूरा, जिस तरह से एक जो शिक्षक है वो अपनी देखरेख में उनसे पोर्टफोलियो बनवाता है और उसमें उसकी अच्छे कार्य, जिसमें उसकी कम प्रतिभा थी उस कार्य को भी हर तरह से पोर्टफोलियो को वो रखवाता है, और ये भी एक रिकॉर्डिंग का बहुत अच्छा माध्यम है। प्रत्येक विद्यार्थी का प्रोफाइल तैयार करना, शुरू से लेकर अंत तक उसका प्रोफाइल तैयार करना है, और विद्यार्थियों को किन्हीं असामान्य घटनाओं, परिवर्तनों, समस्याओं, शक्तियों और शिक्षण प्रमाणों को नोट करते रहना रिकॉर्डिंग का काम करता है। तो इस तरह से अगर जो एक शिक्षक है वो रिकॉर्ड करेगा चीज़ों को, तो वो एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड अंत में देने में सक्षम हो सकता है। अब बहुत से तरीके हैं रिपोर्ट करने के, तो हम अभी हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की कि जिस तरीके से जो शिक्षक है वो पूरे सत्र भर में अपने जो छात्र हैं, जो भी उसने पढ़ाया है, जो उद्देश्य थे उसके सिखाने के, तो उनको किस तरह से वो उसको वो रिकॉर्ड कर सकता है और उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है। तो अगर हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें अधिगम निष्पादन की रिकॉर्डिंग में बहुत ज़रूरी जो समावेश हैं उनमें है अवलोकन, चर्चा, अभिव्यक्ति, व्याख्या। अवलोकन ऑब्जर्वेशन है, डिस्कशंस हैं, है ना, अपनी अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको आप किस तरह से अपनी बात को रखते हैं। इन चीज़ों के अलावा वर्गीकरण है, डिफ्रेंशिएशन, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, फिर उसका वर्गीकरण करते हैं। प्रश्न पूछना भी एक तरीका है इसका बहुत अच्छा। विश्लेषण करना, प्रायोगिक कार्य करना, न्याय और समानता के लिए निष्ठा, सहयोग की भावना, ये सब चीज़ें हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा या पोर्टफोलियो के द्वारा एक जो शिक्षक है, एक प्रभावी शिक्षक जो है वो इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो है क्या। आप अभी तक रिपोर्ट कार्ड लेते आए हैं, हम भी आज तक बचपन से अब तक देखते आए हैं, सुनते आए हैं, रिपोर्ट कार्ड मिलता है हमें, ठीक है, जो कि हमारी प्रतिभाओं को उजागर करता है, या ये कहिए हमारी सफलता और विफलता, कि हम सफल हुए या विफल हुए, इन चीज़ों को दर्शाता है। तो रिपोर्ट कार्ड जो है ये कभी कभी प्रगति रिपोर्ट भी कहलाता है।
प्रगति रिपोर्ट मतलब आपकी कितनी प्रगति हुई है, कितना आपने सीखा है, और समय अवधि में पाठ्यक्रम के परिणामों पर छात्र के प्रदर्शन का लिखित रिकॉर्ड प्रदान करता है। तो डियर लर्नर्स, ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये आपका प्रगति रिपोर्ट है और ये रिटर्न फॉर्म में एक रिकॉर्ड आपको प्रदान करता है। रिपोर्ट कार्ड जो होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे आसानी से उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जिनके लिए इसका उद्देश्य है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड, आप देखिए, रिपोर्ट कार्ड जिंदगी भर आपके साथ चलता है ना। तो इस रिपोर्ट कार्ड को, एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस रिपोर्ट कार्ड को बच्चे की, इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की ऐसी तस्वीर पेश करे जो असल में वो बच्चा है, जो उसकी प्रतिभाएं हैं, उसकी कमियां ही उजागर करना है रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से, और उसको ये एक लेबलिंग कर देना कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, या ये बच्चा इस कार्य को करने में विफल रहा है, तो ये तो कभी शिक्षा का उद्देश्य रहा ही नहीं था। तो अभिभावक और छात्र के बारे में सीधी जानकारी प्रदान इस रिपोर्ट कार्ड के द्वारा की जाती है और उस श्रेणी के पाठ्यक्रम के सापेक्ष प्रदर्शन हमें एक शिक्षक के रूप में हमें करना चाहिए और छात्र को आगे क्या करना चाहिए ये भी उस रिपोर्ट कार्ड में दिया जाना चाहिए कि छात्र इन इन चीज़ों को करने में सक्षम है और ये और अच्छा कर सकता था, या इसके आगे इसको छात्र को क्या करना चाहिए। हमें रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से अभिभावकों को उस चीज़ की जानकारी देनी चाहिए। अब पर्यावरण शिक्षा में रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अलग तरह से रिपोर्ट कार्ड एक शिक्षक जो है उस रिपोर्ट कार्ड को तैयार कर सकता है। तो क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बहुत से अहम पहलू हैं जो उस रिपोर्ट कार्ड में आने चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के संबंधित उस रिपोर्ट कार्ड में होनी चाहिए। तो वो क्या हैं, वो अवलोकन कौशल कि कितना ऑब्जर्वेशन स्किल्स कितनी डेवलप कर पाए आप, उन बच्चों का अवलोकन कौशल कितना ज़्यादा बढ़ा पाए हैं, समझ चीज़ों को लेकर, एक व्यक्ति का और पर्यावरण का आपस में संबंध की समझ, या किसी और चीज़ की समझ, या दृष्टिकोण किस तरह से बदला उसकी समझ, वास्तविक जीवन स्थितियों के लिए आवेदन, सामान्य जागरूकता, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं, और प्रतिधारण या याद कराना, संबंध बनाने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता बच्चे में है या नहीं है, ये सब ये बहुत अहम बिंदु हैं जो एक पर्यावरण शिक्षक को अपने पर्यावरण की रिपोर्ट या रिकॉर्डिंग जब भी उसने की है या रिपोर्ट देने में उसको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि ये सब पहलू उसमें उभर कर आए। कक्षा चर्चा, परियोजना कार्य, सामूहिक गतिविधि, सहभागिता, प्रयास, प्रदर्शन जो कि मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, या चित्र के द्वारा प्रदर्शन भी हो सकता है, और बच्चे में कितनी जिज्ञासा है आगे चीज़ों को सीखने की। तो एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से सिर्फ उसको ग्रेड मत दीजिए कि आपका बच्चा एनवायरमेंटल साइंसेज में या पर्यावरण शिक्षा में आपका बच्चा ए ग्रेड पर आया है, नहीं, आप इन सब अहम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उस बच्चे को उसकी क्षमताओं के को जांचिए, परखिए और उस हिसाब से उसके रिपोर्ट कार्ड में उसको इंकित कीजिए वो बच्चा क्या है। रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से उसकी वो सीधी तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिए। अब रिपोर्ट कार्ड पर्यावरण शिक्षा में पोर्टफोलियो, अब पोर्टफोलियो तो आप रिपोर्ट कार्ड में नहीं लगा सकते हैं, पोर्टफोलियो के माध्यम से जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो सारा का सारा समावेश करके उस रिकॉर्डिंग को आप इसमें रिपोर्ट कार्ड में उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कुछ विद्यालय जो होते हैं छात्र की प्रगति पर रिपोर्टिंग के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग करते हैं, और अभी जैसे नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई विधियां आ रही हैं, और जो बहुत से शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वो इस चीज़ पर बहुत जोर दे रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो अलग तरह से, भिन्न तरह के रिपोर्ट कार्ड होने चाहिए, और पोर्टफोलियो इसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बच्चे द्वारा किए गए कार्य को हम माँ बाप तक पहुँचा सकते हैं, है ना, और इस पोर्टफोलियो के माध्यम से हम उसके वास्तविक कार्य को उसमें एकत्रित करते रहते हैं और उसके आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक छात्रों के काम को इकट्ठा करते हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए अलग फाइल में उसको लगाते चले जाते हैं, जिससे कि एक बच्चे का प्रोफाइल बनता चला जाता है कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड में बहुत अच्छा है और इसमें ये इसकी कमियां हैं या इसमें इसको निदान की ज़रूरत है। और जैसे जैसे स्कूल में प्रगति होती जाती है, वर्ष में प्रगति होती जाती है, सत्र बढ़ता चला जाता है, पोर्टफोलियो जो है उसका संग्रह भी बढ़ता चला जाता है। तो उस पोर्टफोलियो में
कई तरह की चीज़ें बच्चा शामिल कर सकता है, वो आपके विषय के आधार पर होता है, जैसे परिवार के सदस्यों के चित्र, रेखा चित्र, पत्तियां हैं, फूलों के टुकड़े हैं, कपड़ों के टुकड़े हैं, आप किसी टूर पर गए हैं या दौरे की कोई रिपोर्ट है, दोस्तों के लिए अपने भावनाओं को आपने किसी चिट के माध्यम से या किसी चीज़ से आपने उजागर किया है, या स्कूल जो है आप मेहमानों के लिए या अपने दोस्तों के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स कई बार बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो छात्र छात्राएं हैं वो टीचर्स डे पर अपने अध्यापकों के लिए बहुत सुंदर सुंदर क्रिएटिव से कार्ड्स बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम बच्चों के पोर्टफोलियो में लगा सकते हैं, जिससे कि हमें उनकी भिन्न भिन्न तरह की अंदर छिपी हुई प्रतिभाएँ जो हैं उनका पता चलता है। अब पोर्टफोलियो के अहम बिंदु जो हैं वो ध्यान में हमें ज़रूर रखने चाहिए। जब भी हम उसको उसके जो भी कार्य उसने किया है उसका संग्रह कर रहे हैं तो बच्चों के हर तरह के कार्य को शामिल करिए, ना कि सबसे अच्छा कार्य, क्योंकि बच्चे ने अपनी तरफ से बहुत चीज़ें की हैं। तो हर चीज़ को कोशिश करिए कि हर चीज़ को संग्रह करें, हर चीज़ को हम उसमें शामिल करें। आकलन रिकॉर्ड और परीक्षण स्कोर की बजाय बच्चे द्वारा किए गए वास्तविक कार्य को अंदर रखने का ही एक तरीका है। आकलन ये नहीं है कि हमने रिकॉर्ड कर दिया, परीक्षण कर दिया, एक पेपर ले लिया, नहीं, आप उसने बच्चे ने जो जो कार्य किए हैं, जो चीज़ें इकट्ठी की हैं, सबको उसमें रखिए और माता पिता को बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरह से आप उसको माता पिता को उनके आगे पेश करिए और उनको बताइए कि आपका बच्चा इस चीज़ के अलावा एक डॉक्टर या एक इंजीनियर या एक कॉरपोरेट जॉब के अलावा और क्या प्रतिभाएं हैं उसमें, जिसको कि आपका बच्चा जिसमें कि बहुत ज़्यादा आगे जा सकता है। अब पोर्टफोलियो की रिपोर्टिंग करते हुए कुछ चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इसकी रिपोर्टिंग करनी है, पोर्टफोलियो एक बहुत ही बड़ी फाइल रहती है बच्चे की पूरे सत्र में, तो उसकी भिन्न भिन्न क्षमताओं की सूची जो है कुछ पॉइंट्स बनाकर उसकी सूचना जो है वो अभिभावकों को दी जानी चाहिए और प्रत्येक सूचक को अलग ग्रेड दिया जाना चाहिए उसमें। कि जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं सहभागिता की, या उसका ऑब्जर्वेशन स्किल क्या था, या उसका जो चित्र लेखन है वो किस तरह का है, तो हर एक प्रतिभा को अलग अलग तरह का ग्रेड दिया जाना चाहिए। और पर्यावरण शिक्षा में बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ माता पिता को सूचित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा बहुत ही जो महत्वपूर्ण तरीका है रिपोर्टिंग करने का पर्यावरण शिक्षा में, खासकर बाकी में नहीं, पर्यावरण शिक्षा में हम बात करें तो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है पर्यावरण शिक्षा का एक अहम हिस्सा है और इसके द्वारा हम आकलन करते हैं, बच्चे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या किया है। तो अवलोकन शब्द का जो अर्थ है वो है ऑब्जर्वेशन, इंग्लिश में इसका पर्यायवाची ऑब्जर्वेशन है, जिसका अर्थ है देखना, प्रेक्षण, निरीक्षण, अर्थात कार्य कारण एवं पारस्परिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना, कि बच्चा किस तरह से उसको देख रहा है। अब अगर हम इसकी कुछ परिभाषाओं की बात करें तो प्रोफेसर गड़े एवं हॉट के अनुसार विज्ञान जो है, एक हम विज्ञान शिक्षण की बात कर रहे हैं यहाँ, पर्यावरण विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेसर गड़े और हॉट ने कहा कि विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और फिर सत्यापन के लिए अंतिम रूप से निरीक्षण पर ही आकर लौटता है। और वास्तव में कई वैज्ञानिक किसी भी घटना को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक वे स्वयं अपनी पांचों इंद्रियों का प्रयोग कर इसका निरीक्षण नहीं करते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन, जब भी हम बच्चे को अवलोकन की क्रिया देते हैं कोई, कि आप पर्यावरण विज्ञान का ये विषय है, अवलोकन करिए, तो इसमें बच्चा जो है अपनी पाँचों इंद्रियों का प्रयोग करता है, आँखों का, कानों का, नाक का, स्मेल करता है, सूंघता है, खाता है, निरीक्षण करता है। तो ये क्या होता है, वो एक वैज्ञानिक रूप से उसको ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ असल रूप में एग्जिस्ट करती है। आगे अगर बात करें इसकी एक और परिभाषा की, तो पीवी यंग ने अपनी एक कृति साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में कहा है कि अवलोकन को नेत्रों द्वारा सामूहिक व्यवहार एवं जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता की रचना करने वाली पृथक इकाइयों के अध्ययन की विचारपूर्ण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। एक और सीए मेजर ने अपनी पुस्तक सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट किया है कि अवलोकन में कानों तथा वाणी
की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता पर और भी ज़्यादा बल दिया गया है, अर्थात यह किसी घटना को उसके वास्तविक रूप में देखने पर बल देता है। वास्तविक रूप, पर्यावरण में वास्तविक रूप से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो अब जब हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, पोर्टफोलियो कर रहे हैं, या बच्चे का समय समय पर आकलन कर रहे हैं, तो इसमें बच्चों के क्या चीज़ निकल के आती है कि कुछ गैप हैं, सीखने में कुछ गैप रह गए हैं, सीखने में कुछ अंतराल रह गए हैं, जिसका विश्लेषण रिपोर्टिंग करने से पहले करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ बी ग्रेड या ए ग्रेड करने पे ख़त्म नहीं होती है, जो गैप रहे हैं उसको भी उसमें इंकित किया जाना बहुत आवश्यक है। तो किसी विशेष यूनिट या विषय को पूरा करने के बाद आप आमतौर पर बच्चों की जो उपलब्धियां हैं उसका आंकलन करने के लिए परीक्षण करते हैं। तो आंकलन के बाद अब आपको लगता है कि कुछ छात्रों ने बहुत अच्छी तरह से किया है, जबकि कुछ ने अपेक्षित शिक्षण परिणामों को प्राप्त नहीं किया। अब दो तरह की चीज़ें निकल के आई कि एक ही चीज़ को कुछ छात्रों ने बहुत अच्छे से किया, और जबकि कुछ छात्रों ने जो अपेक्षित हम रिजल्ट चाहते थे वैसा उस तरह से उन छात्रों ने उस चीज़ को नहीं किया है। तो अब आप बताइए कि क्या शिक्षक जिन छात्रों ने नहीं किया है तो उसको क्या लिख देगा? कुछ भी नहीं, बी ग्रेड, सी ग्रेड, और जिसने बहुत अच्छे से किया है ए ग्रेड। शिक्षक का जो एक उत्तरदायित्व है यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो जाता है। तो जब भी आप रिपोर्टिंग करें, गैप विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ छात्रों ने जो अपेक्षित शिक्षण परिणाम नहीं प्राप्त किए हैं उनके लिए आपको उनके अभिभावकों तक या उनको आगे किस तरह से लेके जाना है, उसको किस तरह से आप उस उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। अब आप इसके पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चों ने क्यों नहीं किया, तो ये विशेष क्षेत्र या अवधारणा को खोजने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर कठिनाई है और आप सीखने में प्रमुख अंतर पाते हैं तो उन चीज़ों का, उन क्षेत्रों का विश्लेषण करें, जांच करें। तो जांच करने योग्य परीक्षण जो हैं प्रभावी, उत्तरदायी और शिक्षण का आधार हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम निरीक्षण करें, खोजी परीक्षण करें। खोजी परीक्षण भी जो है आपकी एक छात्र की जो लर्निंग गैप्स हैं उसको आगे लाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खोजी परीक्षण वर्ष के शुरुआत में या पूरे सत्र भर में चलता रहता है, वर्ष के मध्य में भी छात्रों ने कितना सीखा है, और वर्ष के अंत में भी कि छात्र जो सीखने आए थे और इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते थे जिसको उन्होंने नहीं किया। तो ये खोजी परीक्षण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जो कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में, रिपोर्टिंग में कहीं ना कहीं आपको इसको दर्शाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे, खोजी परीक्षण से आपको ये पता लगता है कि आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कुछ गलत तो नहीं था। अगर वो चीज़ हमने नहीं प्राप्त की है तो वो कुछ गलत था उसमें। अब हम बात करेंगे, कुछ आकलन के महत्वपूर्ण मानदंड हैं जैसे कि रिपोर्टिंग में शीघ्रता, प्रॉम्प्टनेस इन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जल्दी होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन रिपोर्ट में शिक्षक के शब्द बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, शिक्षक ने क्या लिख के दिया है और बच्चे को हमेशा याद रखता है बच्चा उसको। सकारात्मक आकलन दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच हमेशा रखिए इसमें। इसके अलावा विशिष्ट सकारात्मक टिप्पणियों को उजागर करिए, आकलन में अंतराल को सूचित करना, लर्निंग गैप्स जिसको हम कह रहे थे। जब भी आप रिपोर्टिंग करें, जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो वैध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और बच्चों के सामर्थ्य के साथ ही उसकी कमजोरियों पर भी प्रकाश डालें। और आप जब बच्चे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के साथ करें, क्योंकि ये जो पूरा लर्निंग प्रोसेस है, ये जो अधिगम है सीखने का, ये क्रिया है, ये पूरी छात्रों के लिए है। तो इसके कुछ सिद्धांत भी हैं प्रभावी रिपोर्टिंग के, कि छात्रों को सीखने में सहायता करना और उनको सीखने के प्रति प्रेरणा और प्रतिबद्धता को बढ़ाना, समय कुशल और प्रबंधनीय होना। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं व्यक्तिगत उपलब्धि और प्रगति को पहचाने, बच्चों की मूल्यों और व्यवहारों पर जोर देना कि ये ज्ञान, समझ, कौशल, जो कि हम तीन डोमेन्स की बात कर रहे थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, के परिणामों से अलग है। मूल्य व्यवहार, ईवीएस शिक्षण में मूल्य और व्यवहार ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं, और सक्रिय रूप से इस पूरी प्रक्रिया में माता पिता को ज़रूर शामिल कीजिए, और सार्थक और उपयोगी जानकारी और प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना ही रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।
तो छात्रों, इस इकाई में हमने ये जान लिया है कि शिक्षक को बच्चों की बौद्धिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के बारे में नियमित, सटीक और विस्तृत जानकारी करने की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो रिपोर्टिंग प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं, छात्रों की उपलब्धियों और प्रगति की जानकारी हम देते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या सिद्धांत हैं, इसके किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए, ये सब आज हमने इस इकाई में सीखा है। और रिपोर्टिंग के विशेष कौन कौन से पहलू होते हैं और क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चे की प्रगति और बच्चा इस सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन के निकले, अपने ज़िंदगी का कौशल सीखे, ये सब हम ध्यान में रखते हुए हमें रिपोर्ट कार्ड बनाना चाहिए। तो इसी के साथ इस सत्र का हम अभी अंत करते हैं। धन्यवाद।